सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षयगणनाथ करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पदों में स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षयगणनाथ कीजिएगा। ओंकारं बिंदुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जान बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षय का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षय के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में आकार, ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्थमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। देव्या जजा तद जगदात्म शक्त्या निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या ताम अंबिका मखल देव महर्षि पूज्या भक्त्या नदास उदादि शोभानी सारणा। देवगण माता से प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा ही भाव हम सभी को भी अपने प्रति रखना चाहिए। संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा इन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त देवताओं और महर्षि पूजनीया उन जगदम्बा को भक्तिपूर्ण नमस्कार करते हैं, वे हम लोगों का कल्याण करें। यस्या पापतु भगवान अनंतो ब्रह्मा रचनाई भक्त बलम बलम च सा चंडिका खल जगत परिपालना नाशा चाक्षु विस्मतिम करोतु। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महान देव जी समर्थ नहीं है, विभक्ति चंडिका समूह जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश कर। या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात नाम के दयाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सदाम कुलजन बहुस्त लज्जा ताम ताम नतास्त परिपाले देवी विश्वम। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं लक्ष्मी रूप से, पाप की जहां दृढ़ता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन नुष्म लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन अभक्ति दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। सचिया जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। युग युग में जब भी भक्तों पर कोई आपत्ति आन पड़ी है तो उन्होंने अंतकाल में इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है और माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उनके सभी प्रकार के कष्टों को सदा के दूर कर दिया है। इसी प्रकार आगे आने वाली विपत्ति के प्रति पूर्व सूचित करती हुई माता जी देवताओं से कह रही हैं कि दैवस्वत मनंत्र के 28वें युग में शुभ तथा निशुभ नाम के दो अन्य दैत्य होंगे। तब मैं माता जी कह रही हैं
कि नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेकर के उन दोनों दैत्यों का वध करूंगी और फिर अत्यंत भयंकर रूप से अवतार लेकर के मैं वैप्यचित नाम वाले जो राक्षस हैं उनका वध करूंगी। उनका रक्त पीते पीते मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका के नाम से पुकारेंगे। पुनः माता जी कह रही हैं कि जब 100 वर्ष तक वर्षा रुक जाएगी, देश में अकाल पड़ जाएगा, उस समय अयोनिजा रूप से प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मनुष्यों को देखूंगी। उस समय भक्तजन मेरी स्तुति करते हुए मुझे शताक्षी के नाम से पुकारेंगे। तब उस समय में उस अवतार में मैं अपने शरीर द्वारा शाकों को पकड़ करके देवताओं का भरण पोषण करूंगी। भक्तजन मेरी स्तुति करते हुए मुझे उस समय शाकुंभरी के नाम से पुकारेंगे और उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक दैत्य का वध भी करूंगी। भक्तजन मेरी स्तुति करते हुए मुझे दुर्गा देवी के नाम से पुकारेंगे। पुनः माता जी देवताओं को आश्वस्त कर रही हैं कि हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का वध करने के लिए मैं भीम रूप धारण करके अवतार लूंगी और उनका वध करूंगी। तब भक्तजन मेरी स्तुति करते हुए मुझे भीमा देवी के नाम से पुकारेंगे। पुनः माता जी कह रही हैं, फिर एक अरुण नाम का दैत्य होगा जिसने तीनों लोकों में आतंक फैलाया हुआ होगा। उस समय मैं 6 पैरों वाले भ्रमर का रूप धारण करके उसका वध करूंगी। तब भक्तजन मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी के नाम से पुकारेंगे, क्योंकि उसको वरदान होगा कि न स्त्री न पुरुष से न 2 पैर वाले न 4 पैर वाले से मर सकता है। इसलिए माता जी ने 6 पैर वाले भ्रमर का रूप धारण किया और आश्वस्त किया कि इत्थम यदा यदा वाधा दानवोथा विष्यति तदा तदा वतीर्याहम कृष्यामरि संख्यम। इस प्रकार संसार में जभी जभी दानवी वाधा प्रस्तुत होगी उस समय में अवतार लेकर के जो भक्तों की रक्षा करूंगी, पापियों का संहार करूंगी। अर्थात जभी जभी भक्तों पर कोई आपत्ति आई है उसी समय माता ने प्रकट होकर के भक्तों की रक्षा की है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी सभी शक्तियों से संपन्न होकर के जब दुर्गा माता की आराधना करते हैं तो हम भक्तों को विधि पूर्वक करनी चाहिए। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली महालक्ष्मी एवं महान सरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप से केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपरा के 3 स्वरूप और इनके चरणों से गंगा स्नान कराती हुई परिक्रमा करती बह रही हैं। इसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ध्यान करते हैं और इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर प्राकृत रूप से विराजमान गणपति जी महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक्त प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं, ऐसा पुरानी कहानी में आया है। ओम ऐं ओम जिसका निरंतर जाप बीरबाल जी महाराज किया करते थे। ऐं जो सरस्वती माता जी का वाग बीज है, इसके आगे भी ओम और पीछे भी ओम लगा करके ऐं को संपूर्ण करके ओम ऐं ओम इसका जाप करने से विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होती है। ह्रीं के चरण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर गृहस्थी देश विदेश में सिद्धिमान प्राप्त होता है और क्लीं के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है। आपके शत्रु रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्ति 3 बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविच्छे 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 सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले
दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जय तेरा वाली जीदा वो सांचे दरबार की जय। सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।